चलिए लास्ट के दो पार्टनर और देख लेते हैं। एक है पार्टनर बाय स्टॉपर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पहले बताया ही था, जब मैंने किसी को रिप्रेजेंट किया कि ये मेरा पार्टनर है और आपने फर्म के नाम पे उसको लोन दे दिया, तो मैं आपके प्रति लाइबल होऊंगा, स्टॉपर लग जाएगा कि इकरार करने के बाद इनकार नहीं कर सकते। तो यदि किसी व्यक्ति के कंडक्ट के कारण या वर्ड्स के कारण सामने वाला पर्सन ये बिलीव कर ले कि एक पर्टिकुलर पर्सन उसका पार्टनर है, तो पार्टनर माना जाएगा, डीम्ड एज पार्टनर, यानी कि अब आप इनकार नहीं कर सकते कि वो आपका पार्टनर है, क्योंकि पहले आपने ही रिप्रेजेंट किया था या आपके सामने ही उसने रिप्रेजेंट किया था कि वो आपका पार्टनर है। अब आप इनकार नहीं कर सकते अगर वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, फर्म को क्रेडिट दे चुका है ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। डन। फिर एक होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। आपको पता है ए पर्सन में बिकम ए पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, तो ही विल ओनली शेयर प्रॉफिट्स, ही विल नॉट शेयर लॉसेस। एक व्यक्ति तो चाहे तो खाली प्रॉफिट में पार्टनर बन सकता है। क्यों, आप बना लोगे? मैं तो बना लूंगा। अगर मुकेश अंबानी आ जाएं या अमिताभ बच्चन जी आ जाएं या कोई भी ऐसे व्यक्ति आए जो एक अच्छे तरीके से मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके नाम का ही मुझे फायदा मिल सकता है, तो मैं डेफिनेटली उनको पार्टनर बना लूंगा। तो उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। डन। तो एक व्यक्ति चाहे तो खाली प्रॉफिट में पार्टनर बन सकता है। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनर भी फिनिश हो गया। देख लो, आप पढ़ने बैठो ना एक टक होके, तो सारा कुछ हो सकता है। आज हम बैठे हैं, हम आखिरी टॉपिक पर पहुंचे, हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए और पढ़िए ध्यान से, जो भी क्वेरीज होंगी लास्ट मिलेंगे। ओके, पढ़िए।